इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले ग्रिल इंटर सिरप्स के बारे में। ग्रिल इंटर सिरप्स का क्या यूज है, कभी इसको यूज किया जाता है, कितने दिनों को यूज किया जाता है, यूज करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन अलग है और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज डोसेंस कितना होना चाहिए, इसका डोज आप किसी दिन मिस कर जाए तो अगले दिन इसका डोज किस तरह से ले सकते हैं, इस सिरप्स का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए, इस सिरप्स का इस्तेमाल करते समय क्या प्रीकॉशन रखना चाहिए, तो ग्रिल इंटर सिरप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या फिर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं ग्रिल इंटर सिरप, जो कि हमारे पास 100 ml का बॉटल है, जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 135.99 यानी कि 135 रुपये करीब इसकी MRP है। ग्रिल इंटर सिरप्स को फ्रेंको इंडियन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ग्रिल इंटर सिरप्स के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स के कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन है डेक्सट्रोमीथोरपिन, हाइड्रोब्रोमाइड्स, क्लोरोफेनामिस मेलेट्स, गुआफेंसिस एंड अमोनियम क्लोराइड सिरप इसके अंदर डाले गए हैं। ग्रिल इंटर सिरप्स के अंदर जो इंग्रीडियंट्स डाले गए उसके पावर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके अंदर जो डेक्सट्रोमेथोरपिन, हाइड्रोब्रोमाइड्स 5 mg, क्लोरोफेनामिस मेलेट्स 2.5 mg, गुआफेंसिस 50 mg, अमोनियम क्लोराइड 60 mg इसके अंदर डाले गए हैं। ग्रिल इंटर सिरप्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल खांसी यानी कि कफ के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह नाक, श्वसन नली और फेफड़ों में बलगम को पतला करता है जिससे कफ आसानी से बाहर निकल सकते हैं। यह नाक बहने, आंखों से पानी निकलने, गले में जलन की समस्या से भी राहत देता है। ग्रिल इंटर सिरप्स का इस्तेमाल कफ यानी कि खांसी के इलाज के लिए सिरप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रिल इंटर सिरप्स का डोज और डोसेंस की बात करें तो इसका डोज और डोसेंस आपकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है और आपका वेट कितना है, उसका डोज और डोसेंस आफ्टर मिस रहता है यानी कि सिरप्स को खाना खाने के बाद दिया जाता है। और सिरप्स का डोज और डोसेंस एडल्ट के लिए इसका डोज रहता है 1 teaspoon फुल्स यानी कि 5 ml 3 to 4 times। ग्रिल इंटर सिरप्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। अगर आप इसको कंटिन्यू बेस पर इस्तेमाल किए जा रही है यानी कि अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल नहीं रही, कंटिन्यू बेस पर इसका सेवन किया जा रहा है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं यानी कि सिरप्स को अगर आप ओवरडोज इस्तेमाल करते हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है आपको मछली आना, पेट खराब होना, डायरिया, दस्त होना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ग्रिल इंटर सिरप्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। ग्रिल इंटर सिरप्स किस प्रकार काम करता है यानी कि हाउ टू वर्क ग्रिल इंटर सिरप्स। ग्रिल इंटर सिरप्स के अंदर जो दवाई देती है यानी कि डेक्सट्रोमीथोरपिन, साइट्रोब्रोमाइड्स, गुआफेंसिस, अमोनियम क्लोराइड्स, क्लोरोफेनामिस मेलेट्स जो कि खांसी से राहत दिलाते हैं। अमोनियम क्लोराइड्स और गुआफेंसिस दोनों ही दवाई एक्सपेक्टोरेंट है जो कि डिक्रीज करती है, स्ट्रेचिस करती है म्यूकोस यानी कि फेलगम को और हेल्प करती है रिमूव करती है एयरवे से। और ये क्लोरोफेनामिस मेलेट्स एक एंटी एलर्जिक दवाई है जो एलर्जी के लक्षणों जैसे कि नाक बहना, आंखों से पानी गिरना, छींक आने की स्थिति में राहत पहुंचाता है। डेक्सट्रोमीथोरपिन एक खांसी सप्रेसेंट है जो ब्रेन में खांसी के केंद्रों की एक्टिविटी को कम करके कफ से राहत देता है। ग्रिल इंटर सिरप्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन से, फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में सिरप्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से ग्रिल इंटर सिरप्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें तो ग्रिल इंटर सिरप्स के बारे में कुछ भी डाउट हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है वहाँ पर बताएं। ग्रिल इंटर सिरप्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी सिरप्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।